अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगरमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 20 लोग कांग्रेस ज्वाइन किए। वाज़ह रहे कि यहां पर पहाड़ी शरीफ, शाही नगर, बालापुर, महेश्वरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई तरक्यात के काम नहीं हो रहे हैं। हालांकि सबिता इंदर रेड्डी कांग्रेस से यहां से कामयाब हुए थे, लेकिन हालात देखते हुए वो बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर लिए। इससे कई लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन तरक्की के काम कुछ नहीं कर पा रहे थे और यहां के कॉर्पोरेटर्स लीडर्स भी नाकारा है और कुछ काम नहीं कर सक रहे हैं। अवाम के मसले वैसे ही है। इसी बात को लेकर करीब 20 लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आने वाले वक्त में महेश्वरम हलके से कांग्रेस को लाने की बात की गई है और सारे तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बना रही है, इसका भी ऐलान किया गया है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। तखीर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, अंदर की नमस्कार। आज जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 16 के ज़ेर सदारत हमारे सिनोन्ना के अंदर में 20 प्लस मेंबर्स ज्वाइनिंग लिए और बाद अजा जो है 200 मेंबर्स का प्रोग्राम रखे और हमारे बड़नपेट मेयर पारिजाता मैडम के सदारत में यहाँ पर ज्वाइनिंग लिए। ये आज से ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी रहेगा और एरागुंटे से पहाड़ी शरीफ, पहाड़ी शरीफ से महेश्वरम तक डे बाई डे ज्वाइनिंग का प्रोग्राम सिलसिला चलता जा रहा है और यहाँ पर टीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी का जो नाकामियाँ हैं उस सिलसिले में, और दूसरा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने जो है तेलंगाना में पदयात्रा की और ऑल इंडिया में जो पदयात्रा किया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये पूरा इंडिया के हर कोना कोना हर मेंबर्स को जोड़ता आया है। और उसी सिलसिले में कर्नाटक का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद से जो पूरा ऑल स्टेट में मोहब्बत का पैगाम पहुँचा है, इस सिलसिले में जो है बारी 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 हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत हो रहा है और हम सब जो है मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सर से सपोर्ट करके इस बार जो है वन साइड कांग्रेस पार्टी जैसा कर्नाटक में जीत के आई है, इस बार भी हम लोग जो है तेलंगाना में भारी अक्सर से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में वार्ड नंबर 16 के हमारे सीनू भाई जो कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत कर रही और एक एक आदमी को जुड़ा जुड़ा कर कांग्रेस के लिए मजबूत कर रही, कई को बोले तो इससे पहले भी कई लोग टीआरएस के अंदर काम कर चुके हैं और उसके अंदर टीआरएस वाले आज जाके बीआरएस बन गई और यहाँ पे जलपल्ली के अंदर मुखामात के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और जू का तो उसी था यहाँ पर। लिहाजा हमारे यूनुस भाई और हमारे मैडम सीपीएनआर मैडम और हमारे अपने नरसिम्हा रेड्डी साहब, इन्होंने भी मिलकर यहाँ के महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पूरों को एकजुट कर और अपने क्या बोलते तो कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस को फिर से वापस जिंदा करने के लिए मेहनत कर रही। और यहाँ पर जलपल्ली के अंदर माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए भी जो इंतखाबात के अंदर जो वादे करा था केसीआर, केटीआर, सबिता इंदिरा रेड्डी इलाका जो वादे करे थे जो मुसलमानों को रिजर्वेशन के बारे में 12%, आज वो काम हुआ क्यों नहीं हुआ? लिहाजा ये सिर्फ वादे। आज हमारे राहुल गांधी साहब ने कहा, क्या कहा परसों खम्भम के अंदर, ये बीआरएस पार्टी नहीं है, ये बीजेपी अपने बीजेपी रिश्तेदार पार्टी है। क्यों? यहाँ पे तेलंगाना के अंदर एक बात करते हैं लोग, फिर वहाँ सेंटर में दिल्ली को जाकर बीजेपी का साथ देते। लिहाजा हमारे को ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, हमारे को हमारी कांग्रेस पार्टी चाहिए और हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए इंशाल्लाह ताला हर महेश्वरम के अंदर, पूरे तेलंगाना के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। जय कांग्रेस। ईरोजु जलपल्ली नुंचि 16वें वार्डुकु संबंधिंचि రవి అన్న ఆధ్వర్యంలో, అలాగే సీనన్న అలా సీనన్న గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే సాధక్ భాయ్, ఆమెద్ భాయ్ అండ్ రవి అన్న, భారీ భాయ్ అందరి ఆధ్వర్యంలో
ఈరోజు 16వ వార్డు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవడం జరిగింది. మరి కర్ణాటక రిజల్ట్ తర్వాత అలాగే పొంగులేటి గారు మన పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా పార్టీకి ఇంకా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో చేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఈరోజు జల్పల్లి నుంచి మన సీనన్న ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వీళ్ళందరూ వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఎందుకంటే జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ నుంచి అధిక సంఖ్యలో రోజు రోజుకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువవుతుంది. మరి ఇదంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు యొక్క కృషి, గెలుపునకి కృషి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, రాబోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే, టీఆర్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళకి ఓటమి భయం పట్టుకొని ఎవరు పార్టీలోకి వెళ్తున్నారా అనేది వాళ్ళు చూడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మన పార్టీలకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్ చెప్తూ, ఈరోజు నుంచి మనందరం ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా పార్టీకి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేసినటువంటి సీనన్న గారికి, ఆమెదన్న గారికి, మరి సాధక్ అన్న గారికి, భారీ అన్నగారికి, రవి అన్న గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిస్మిల్లాహి రహమాని రహీం. అస్సలాం అలైకుం రహమతుల్లాహి బర్కాతుహు. మేరీ చార్ కితాబే దుర్రి మదీనా DURREYMADINA అమెజాన్ పే మిల్ జాయేంగే. దో సీరతున్ నబీ జో సహీ ముస్లిం సహీ బుఖారీ ఖురాన్ కే దలాయిల్ కే సాథ్ ఆసాన్ ఉర్దూ మే హై, జో బచ్చో ఔర్ బడో కీ తాలీమ్ తర్బియత్ కే లియే బెహతరీన్ హై ఔర్ ఇంతిఖాబ్ షాహిన్ హై, జిస్ మే 2000 నాతే హై ఔర్ మేరా యూట్యూబ్ చానల్ దుర్రి మదీనా కే నామ్ సే హై ఔర్ 3 కితాబే ఆనే వాలీ హై ఔర్ ఇన్షాల్లా కుచ్ దినో మే యే కితాబే ఇంగ్లీష్ మే భీ మిల్ జాయేంగీ. మేరే బుక్స్ భీ దుర్రి మదీనా సే హై, మేరా చానల్ భీ దుర్రి మదీనా సే హై. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स. जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में. पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में. जी हाँ, 29,999 रुपीस. जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स. 9618650827.